नैनीताल जिले के बीर भट्टी के पास मदरसे में हाल ही के दिनों में प्रशासन ने भारी अनियमितता पाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। वहीं अब राज्य सरकार ने इससे प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जाँच करने के आदेश दे दिए हैं। डीएम वंदना सिंह ने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में चलने वाले जितने भी मदरसे हैं उन सभी की जांच करेंगे। वहां बच्चों को किस तरह की तालीम मिल रही है, इन सब की जांच की जाएगी और मदरसों के पंजीकरण से संबंधित जो भी राज्य सरकार के मानक है उनको भी देखा जाएगा। अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो मदरसों पर कार्रवाई भी की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं वीरभट्टी में मदरसे वाला जो इशू आया था सामने, उसके बाद कि सभी जगह जहां इस तरह के संस्थान चल रहे हैं वहां उनके पंजीकरण के विषय में अन्य जो अनियमितताएं होती हैं उनके विषय में जांच कराई जाए और सभी जगह ये इंश्योर करा जाए कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है किसी प्रकार का समझौता न हो, उनके शिक्षा में किसी प्रकार का समझौता न हो और साथ ही जो पंजीकरण के मानक हैं या अन्य जो नियम राज्य सरकार की ओर से इस तरह की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन ना हो, किसी प्रकार का समझौता ना किया जाए। गंभीर अनियमितताएं कुछ सामने आई थी बीच में मदरसों की जांच के दौरान, तो उस पर भी रिपोर्ट दर्ज करी गई है, कार्रवाई लगातार चल रही है। एक दो जगह से अतिक्रमण के मामले भी सामने आए तो अतिक्रमण में भी नोटिस संबंधितों को दिए जा रहे हैं, उनका अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है।